तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। जैसा आप सभी बच्चों को जानकारी है कि हम उत्तराखंड हिस्ट्री और कंप्लीट उत्तराखंड कोर्स के साथ आपको हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्लास नंबर फर्स्ट की, तो हम डेमो के रूप में यानी कि उन सभी बच्चों तक पहुँचाएंगे जो बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स से भी नहीं जुड़ पाए, ठीक है। 2-3 क्लास डेमो के रूप में होगी, उसके बाद जो हम टॉपिक ऐड करते जाएंगे वो क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी फीस पूर्णतः सबमिट कर दी है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास का और बात करेंगे क्लास नंबर फर्स्ट और टॉपिक। जैसा आप सभी जानते हैं कि हिंदी अगर हमें पढ़नी है और हिंदी या हमें सीखनी है तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करेंगे सर्वप्रथम 0 से शुरू करेंगे हिंदी को और बात करेंगे हिंदी भाषा उद्भव और विकास की, ठीक है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास की हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है, आप नोट डाउन करते रहिए। जैसे आपने एक नोटबुक अपनी बनाई है उत्तराखंड की, उसी प्रकार आप एक नोटबुक बना लीजिए हिंदी की भी, ठीक है। हिंदी को भी आपको लगातार नोट करते रहना है और उत्तराखंड को भी आपको लगातार नोट करते रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर फर्स्ट। डेमो के तौर पर सभी बच्चों के पास पहुँचेगी, लेकिन 1-2 टॉपिक के बाद यह वीडियो आपकी प्राइवेट होगी, यानी कि सिर्फ उन्हीं बच्चों तक पहुंचेगी जिन बच्चों ने फीस जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर फर्स्ट। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, कोर्स जो हमारा है इसमें हम वीडियो बीपीडीओ ग्रुप सी 751 854 आबकारी परावर्तन उत्तराखंड पुलिस लेखा लिपिक कनिष्ठ सहायक भंडारपाल पटवारी चकबंदी अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी और उत्तराखंड में जो LT की वैकेंसी आई उन बच्चों के लिए हिंदी के का माध्यम भी हमारे पास है, यानी कि उत्तराखंड PCS या उत्तराखंड UK SSS संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके संबंध में हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं हिंदी और उत्तराखंड का, ठीक है। मात्र 1500 रुपये फीस रखी हुई है और कंप्लीट कराएंगे उत्तराखंड और कंप्लीट कराएंगे हिंदी, ठीक है। फ्री में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट और मिलेगी फ्री में आपको टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और रेगुलर चलेगी हमारी क्लास। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा उद्भव की, लेकिन उससे पहले हम हिंदी के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, यानी कि हम सिर्फ हिंदी भाषा में राज कर रहे हैं, यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी कब अपनाई गई? 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब बात करी जाए, संविधान में लिखित उल्लेख है और संविधान में 22 भाषाओं का सदस्य है क्या? आपका हिंदी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में किस नंबर पर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है? देखिए, मैं अगर बात करूँ हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान में 4वें नंबर पर, यानी कि 4th क्रमांक दिया गया है हिंदी को, ठीक है। इससे पहले एक और लैंग्वेज है, उससे पहले एक और लैंग्वेज है, उससे पहले एक और लैंग्वेज है, यानी कि नंबर 4 पर क्या लिखी हुई है? हिंदी भाषा लिखी हुई है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा में ही राज किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव की, ठीक है। देखिए, हिंदी भाषा में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कितने भाषाओं का सदस्य है, तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं का सदस्य है हमारी हिंदी भाषा। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि संवैधानिक स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर हिंदी भाषा, संवैधानिक यानी कि संविधान के दायरे में हिंदी भाषा कितने भाषाओं का सदस्य है? तो कितनी भाषाओं का सदस्य है आप सभी जानते हैं, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का सदस्य है, ठीक है। चलिए, आकृति की बात में अगर करूँ तो आकृति कैसी है? वियोगात्मक है, यानी कि सभी से जुटकर बनी हुई, मतलब सभी से, जैसा आप रोमन हुआ, रोमन, और आपका जो अन्य लैंग्वेज के जो लिपियां हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। और अगर मैं बात करूँ रूप की, तो विशिष्ट है, मतलब सबसे हटके इसका रूप है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि हिंदी भाषा की आकृति कैसी है,
तो वियोगात्मक और विशिष्ट है, ठीक है। वियोगात्मक मतलब सभी से मिलकर बनी हुई है लेकिन दिखने में कैसी है, सबसे अलग है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हिंदी भाषा परिवार की, ठीक है। तो भारत में देखिए चार भाषा परिवार वर्तमान समय में एक्टिव हैं। सबसे पहले भारोपीय या भोरोपीय, द्रविड, आस्ट्रिच और चीनी या तिब्बती। देखिए मैं अगर बात करूँ भोरोपीय की तो 73% भाषाएँ हमारे यहाँ पर जो हैं वो किस परिवार की है, भोरोपीय परिवार की। उसके बाद मैं अगर बात करूँ द्रविड़ परिवार 25% और आस्ट्रिच परिवार आपका 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%, ठीक है। चलिए थोड़ा सा परिवारों के बारे में ध्यान देते हैं कि परिवार होते क्या। देखिए जैसे सपोज दैट ये हमारा नक्शा है, क्या है का भारत का नक्शा है, ठीक है। भारत के नक्शे में आप ध्यान रखोगे जितना भी उत्तर की लैंग्वेज है यानी कि नॉर्थ साइड जितनी भी आपकी लैंग्वेज होगी वो सभी किस परिवार की होगी, वो सभी भोरोपीय परिवार की होगी। जैसे मैं बात करूँ हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांग्ला, भोजपुरी, ये सभी किस प्रकार की भाषा है, ये सभी आपकी भोरोपीय परिवार की भाषा है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे द्रविड़ परिवार की। देखो तो द्रविड़ परिवार मैंने भी आपका नक्शा बनाया था उत्तराखंड, ये भारत का नक्शा, भारत का नक्शा है। तो हम बात कर रहे थे द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में। देखो द्रविड़ मतलब दक्षिण, दैसे बनता है द्रविड़ और दैसे बनेगा दक्षिण। तो दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती है चाहे वो आपकी तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, वो किसी किस प्रकार परिवार की भाषा है, वो सभी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं कि भोरोपीय परिवार की भाषाएं कहाँ बोली जाती है और द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहाँ बोली जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपका भोरोपीय परिवार है वो भारत में सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। भारत में भी और विश्व में भी, दो चीज़ ध्यान रखेंगे, भारत और विश्व में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो भोरोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। और भारत में सबसे कम वो कौन सा है आपका, चीनी या तिब्बती, ठीक है। मैं बताऊंगा चीनी तिब्बती कहाँ बोली जाती है। देखिए जितने भी आपके भारत के जितने भी राज्य सीमावर्ती राज्य हैं तो सीमाओं पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उस कौन से परिवार की बोली जाती है, वो आस्ट्रिच परिवार की बोली जाती है। लेकिन जो हमारे राज्य चीन या तिब्बत से लगे हुए, जो हमारे राज्य चीन या तिब्बत से लगे हुए हैं उन सभी में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उन सभी में चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जैसा हमारा आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, तो इन राज्यों में क्या होता है, इन राज्यों में कौन सी भाषाएं सीमाओं पर बोली जाती है, वो बोली जाती है आपकी तिब्बती या चीनी परिवार की भाषाएं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस परिवार की भाषा कहां पर बोली जाती है। देखो जो भी मैंने आपको डाटा दिया ये डाटा 2000 की जो जनगणना हुई भाषा वाली उसके अथॉरिटी आपको बताया गया है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी ऑथेंटिक बताई जाएगी और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपको कोई भी डाटा गलत ना दिया जाए, ठीक है। चलिए तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भोरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। विश्व में बात करेंगे भाषाओं की तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी या मैदानी, ठीक है। चीनी लैंग्वेज या मैदानी दोनों एक ही लैंग्वेज है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी या मैदानी, ठीक है। नंबर दो में अगर मैं बात करूँ, नंबर दो में कौन सी है, नंबर दो में बोली जाती है आपकी अंग्रेजी भाषा, ठीक है। और नंबर तीन पे मैं अगर बात करूँ तो बोली जाती है आपकी हिंदी भाषा। देखिए 2015 से पहले हमारा जो नंबर था वो 4 था, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन जिसकी शुरुआत 1975 से हुई थी उसी के प्रभाव के कारण हमारे जो भाषा है हिंदी भाषा जो राजभाषा है इसका राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा महत्व बना, कब, जब हमने यहाँ पर सम्मेलन कराने शुरू किए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने अपनी भाषा को कन्वर्ट करने की कोशिश की क्या हमें हिंदी में, ठीक है, जिस वजह से नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3 हो चुका है, जो कि बड़े गर्व की बात है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, विश्व की जो आपकी 20 लैंग्वेज हैं उसमें आपकी 8 भारत की है, ये भी आप ध्यान रखोगे।
ठीक है, यानी जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में 8 भाषाएं भारत की है, जो कि बड़े गर्व की बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्पत्ति की, कि हिंदी भाषा की देखो उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सिंधु नदी से। किस नदी से? सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी से भी अपने आप नहीं हुई, ईरानियों ने कराई है। किसने कराई है? ईरानियों ने। अब हुआ क्या, देखिए जो ईरानी थे, ईरानी क्या करते थे, ईरानी हमारे जो भारतवर्ष से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमारा नक्शा है, ये हमारे उत्तर का नक्शा है भारत का। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है, जो कि इस प्रकार कहाँ से निकल के आ रही है? मानसरोवर झील से निकल के आपकी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से कौन आया करते थे? ईरानी लोग आया करते थे। तो जब ईरानी लोग भारत में एंटर किया करते थे, तो वे क्या कहा करते थे? ईरानी नदी, मतलब ईरानी नदी को क्या बोला करते थे? सिंधु की जगह हिंदू बोला करते थे। क्या बोला करते थे? हिंदू। अब आप कहोगे सर हिंदू क्यों बोला करते थे? क्योंकि उनका उनकी जो लैंग्वेज है वहाँ पर सैको बोला जाता है और धैको बोला जाता है क्या? दै। ठीक है, तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। और सिंध नदी से क्या बन गई? हिंद नदी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हुआ, हिंद प्रदेश भारत को कहा जाने लगा, और हिंद प्रदेश में बोले जाने वाली जो भाषा बनी वो बन गई आपकी कौन सी? हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर उत्पत्ति हुई हिंदी लैंग्वेज की, जो कि आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, देखो नोट आपको अपने तरीके से बनाने हैं, मैं तो काफ़ी शॉर्ट नोट से पढ़ाता हूँ, लेकिन जितना भी क्वेश्चन बन सकते हो वो सभी आपके सामने डिफाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने आप सभी को बताया था राजभाषा वह भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, चलिए नंबर दो की मैं बात करता हूँ, यहीं पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर दो कौन सी बोली जाती है? तो बोली जाती है आपकी बांग्ला। बांग्ला भाषा नंबर दो है भारत में प्रयोग करने के आधार पर। ठीक है, चलिए संवैधानिक स्तर पर मैं अगर बात करूँ तो 22 भाषाओं का सदस्य है क्या? हिंदी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी संवैधानिक स्तर पर यानी कि संविधान के देखते हुए कितनी भाषाओं का सदस्य है? जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 भाषाएं संविधान में पारित की गई है, तो उन सभी का सदस्य है क्या हमारा एक हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो जो हिंदी शब्द है ये हमारी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी जो हमारा शब्द है ये किसका है? ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे कई बार पूछा गया कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया था, तो मुहावरा आपका ये आपको बताना है कि किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी है या फारसी है? चलिए मैं आपको आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, अरबी या फारसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो वर्ग में बांटा गया कि कितने वर्गों में हिंदी का जो कार्यकाल रहा उसे डिवाइड किया गया। देखिए मैं अगर बात करूँ हिंदी लैंग्वेज या भारतीय भाषा या मैं कहूँ आर्य भाषा, ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आपको तीनों याद रखने हैं, इनका टाइमिंग आपको याद रखने है कि किस टाइम में कौन सी लैंग्वेज आई और किस लैंग्वेज को कितनी महत्वता भारत में मिली थी। ठीक है, चलिए तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम भाषा आई बाहर से वो कौन सी आई थी? वो आई थी आपकी संस्कृत। प्राचीन काल की बात है, कौन लेके आए थे? आर्य लेके आए थे। इस वजह से क्या कहा जाता है? आर्य भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को। ठीक है, ये आज से लगभग 3500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेके और 1500 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? वहाँ पर लैंग्वेज यूज की जाती थी संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत के भी 2 भेद बताए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, पहला भेद है आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब आप कहोगे कि सर ये वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत का क्या फंडा है? देखिए जिसमें वेद लिखे गए उसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, आज से लगभग 3500 साल पहले यानी कि 1500 BC की हम बात कर रहे हैं। BC को हम ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2020 में हम अभी हैं, दो 2000 ये हैं और 1500 हैं, लगभग 800 आज से 3500 साल पहले जब वेद लिखे गए तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और वो थी आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है उसे आम जो व्यक्ति था वो नहीं पढ़ पा रहा था। ठीक है, यानी जो हमारे पास वेद लिखे गए
ठीक है, संस्कृत भाषा में, उसे आम व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा था, जिस वजह से क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया गया वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में। ठीक है, लौकिक संस्कृत मतलब कि जो जो आम जन जिसका यूज़ कर रहा है उसे बोलते हैं लौकिक संस्कृत। ठीक है, चलिए ये जो मैं बात करूँ तो आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, यानी कि 500 ईसा पूर्व के आसपास ये टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इन दोनों लैंग्वेज को छदांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छदांग। छदांग मतलब जिसमें छंदों का प्रयोग किया गया था, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। इस वजह से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को क्या कहा गया है? छदांग भाषा भी कहा गया है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन जैसा आप सभी जानते हैं कि वैदिक से कौन सी बनी? लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत कौन सी बन जाएगी? आपकी पाली। ठीक है, अब देखिए ये लैंग्वेज बदलती क्यों जा रही थी, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस बात पे ध्यान देना कि लैंग्वेज आखिरकार बदल क्यों रही थी। देखिए लैंग्वेज बदलने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था वो ये था कि हमें अपनी सहूलियत के लिए, हम अपनी सहूलियत के लिए क्या कर रहे थे, भाषा को बदल रहे थे। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं दधी। ठीक है, दधी को क्या बोलते हैं? तद्भव में बोलते हैं दही। देखिए हम संस्कृत में बोलते हैं दधी और हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दही। ठीक है, ये क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है और ये आपका क्या है? तद्भव, यानी कि इसे संस्कृत वाला शब्द है, ये आपका हिंदी वाला शब्द है। तो हमने इसे चेंज क्यों किया? अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि दधी बोलने में हमें कठिनाई महसूस होती है, दही हम एकदम से सिंपली बोल देते। तो हमने क्या किया, जो भाषा का जो परिवर्तन हुआ अपनी सहूलियत के लिए, मानव ने भाषा का परिवर्तन किया, ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए मध्यकालीन की बात करेंगे। 500 BC से लेके 1000 ईस्वी, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, लगभग 1500 साल के आसपास हमारे यहाँ पर चार मुख्य भाषा एक्टिव रही, जिसमें सबसे पहली है पाली। पाली यानी कि 500 बीसी से एक ईसी, यानी कि 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, फिर आती है अवहट। ठीक है, और अपभ्रंश और अवहट से मिलकर कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, जिसका समय काल कब से रहेगा? 1000 या 1175 से अब तक का रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ दो तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले पाली में कि पाली भाषा में किसने उपदेश दिए, क्वेश्चन कई बार बना है तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध जी ने क्या दिए हैं पाली भाषा में, और हमारे महावीर स्वामी जी ने दिए हैं आपका प्राकृत भाषा में। ये भी आप ध्यान रखोगे, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुजारी थे, और गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, वो भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो अपभ्रंश भाषा हुई से हुई है, ये भी ध्यान रखोगे। और अवहट किसका रूप बिगड़ा हुआ रूप है? अपभ्रंश का। और पाली किसका बिगड़ा हुआ रूप है? प्राकृत का। और सॉरी प्राकृत किसका बिगड़ा हुआ रूप है? पाली का। और अपभ्रंश प्राकृत का। ठीक है, ये सब एक दूसरे का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, इसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है? ये इसका बिगड़ा हुआ रूप ये, इसका बिगड़ा हुआ ये, इसका बिगड़ा हुआ ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इनके क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्रम क्या याद रखना? संस्कृत, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, अगर इसे और ज़्यादा डीपली कर देता है यूके त्रिपलस या कोई भी आ जाओगे तो आप ध्यान रखोगे, संस्कृत आप शुरू से प्रारंभ करोगे, आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ये क्रम भी कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है, तो आपको आयोग द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं वो भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे प्राकृत भाषा के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। तो प्राकृत अगर मैं बात करूँ, भाषा जिसका कार्य काल कब तक रहा? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, लगभग 500 साल तक रहा। ये जो आपकी थी इसके 5 भेद थे, सूरसेनी, महाराष्ट्री, पोसाची, मगधी और अर्धमगधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं पर होगी, कल हम बात करेंगे आपका हिंदी भाषा का कार्यक्रम और कालक्रम के बारे में कि कैसे कैसे डेवलप हुई, कैसे कैसे इसका विकास प्रारंभ हुआ। आज हमने बात की है सिर्फ
हिंदी भाषा के उद्भव की, तो कहाँ से जन्म हुआ और किस प्रकार जन्म हुआ वो आज की क्लास में बताया गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, एक या दो क्लास और आपको मिलेगी डेमो के तौर पर, यानी कि ये बच्चे सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभी हमें डेमो लेनी है, तो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है। बाकी मोस्टली मैक्सिमम बच्चों की फ़ीस आ चुकी है, तो आप भी जल्द से जल्द अपनी फ़ीस जमा करा दीजिए और फिर हम क्या करेंगे आपका इसके बाद टेस्ट लेंगे हर रविवार को। ठीक है, जैसा आप सभी को शेड्यूल पता है रविवार को टेस्ट होगा, सॉरी सोमवार को टेस्ट होगा, सोमवार रात 9 बजे टेस्ट होगा आपका, और रविवार को आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट, यानी कि कुछ वन लाइनर या महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, उन्हें भी आप नोट डाउन करते रहोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए।